हेलो दोस्तों, मेरा नाम रेकी अफ्रेडी है। मेरे चैनल में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ किस तरह से एक नया यूट्यूब चैनल खोला जाता है। उससे पहले अगर आप एक नया यूट्यूबर बनना चाहते हो तो कुछ बातें हैं ऐसा है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को लगता है कि इसका तो खुद का सब्सक्राइबर इतना कम है, 100 सब्सक्राइबर खुद का है तो उसको क्या पता चलेगा यूट्यूब के बारे में। तो दोस्तों, ये मेरा दूसरा चैनल है, लेकिन एक मेरा जो मैं जो चलाता हूँ जो चैनल, जो इसका नाम है रेकिब अफ्रीडी, ओनली रेकिब अफ्रीडी। इस चैनल का नाम है टेक्निकल रेकिब अफ्रीडी, लेकिन उस चैनल का नाम है रेकिब अफ्रीडी। उस चैनल में मेरा 71,000 से एबोव है उसमें सब्सक्राइबर। तो इसीलिए मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है यूट्यूब के बारे में। तो दोस्तों, एक यूट्यूब चैनल खोलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक मिनट में आप एक चैनल खोल लोगे। लेकिन उसको चलाना कैसा है, किस तरह से वीडियो बनाना है, किस तरह से एडिटिंग करना होता है, किस तरह से उसमें थंबनेल वगैरह लगाना होता है, इंट्रो क्या होता है, लोगो क्या होता है, तो आप लोग को ये कन्फ्यूज़न लगेगा, ये क्या बता रहा है ये। तो दोस्तों, इस सब के बारे में मैं एक एक पार्ट्स में एक एक वीडियो बनाऊँगा, जिसके बारे में सबके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि मेरे ये चैनल इसीलिए खोला है क्योंकि YouTube के रिलेटिव जो भी प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ रहा था ना, जब मैंने पहली बार YouTube चैनल खोला था तो मुझे जो प्रॉब्लम मुझे आ रहा था, वो प्रॉब्लम आप लोगों को कभी ना हो, वो प्रॉब्लम सॉल्व करके मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। पहले से स्टार्ट करूंगा, मैंने आप लोग याद रखिए, अगर आप एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हो तो एक नया ईमेल के साथ शुरू करो। पहले एक नया ईमेल आईडी क्रिएट करो। अगर आपको क्रिएट करना नहीं आता है ईमेल आईडी, यानी कि जीमेल आईडी, मैंने एक वीडियो छोड़ा है इससे पहले जिससे ईमेल आईडी किस तरह से बना सकते हैं उसको मैंने दिखाया है। उसके बाद आप दिखाऊंगा किस तरह से यूट्यूब चैनल को आप खोल सकते हो दोस्तों। तो बाद में बताऊंगा सब कुछ, अभी आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ बताऊंगा यूट्यूब चैनल किस तरह से खोला जाता है। आपको सब कुछ मिलेगा किस तरह से उसको चलाया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं जब भी इसी टाइप की वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको पहले एक YouTube चैनल खोलने के लिए पहले क्या करना होता है, जो आपका एक YouTube ऐप है ये देखिए, ये देख लीजिए, ये YouTube का ऐप, इस ऐप को आप लोग को डाउनलोड कर लेना होता है। उसके बाद इस ऐप को आप लोग ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो इस टाइप के आने के बाद क्या करना होता है, जो वो कोने पर दिखाई दे रहा है ये वाला, ये दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के से पहले ही अगर आपको इस टाइप से नहीं आ रहा है तो अपना जो जीमेल अकाउंट है उस जीमेल अकाउंट से उसमें लॉगिन हो जाइए। क्योंकि अगर आपको जीमेल अकाउंट बनाना नहीं आता है तो मैंने पहले ही इसका वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को देखकर आप लोग जीमेल अकाउंट खोल लीजिए। तो उसको खोलने के बाद क्या करना होता है, इसमें आप लोग देख सकते हैं माई चैनल, तो माई चैनल में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जो YouTube चैनल का जो नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो, जो भी नाम देना चाहते हो वो सोच समझ कर देना होता है। क्योंकि जब वो आप नाम दे रहे हो ना, उसको आप 3 महीने बाद ही चेंज कर सकते हो, यानी कि 90 दिन बाद ही आप उस नाम को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए जो भी नाम दे तो नाम ऐसा दो जो आपकी वीडियो की रिलेटिव हो, ठीक है, जो आपकी वीडियो की रिलेटिव नाम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं तो यही दे देता हूँ, क्योंकि ये है अब मेरा ईमेल का नाम, जो जीमेल का नाम होता है ना यही है। लेकिन इस नाम को किस तरह से अब इस तरह से काट कर कोई नया नाम भी दे सकते हो, लेकिन ये मैंने जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए बनाया है, इसीलिए ये XYZ ही दे देता हूँ, ठीक है। तो जो भी आपका नाम रखना चाहते हो वो अच्छी तरह से सोच समझ के रखना है, ठीक है। तो उसके बाद जो ये दिखाई दे रहा है क्रिएट अकाउंट, क्रिएट चैनल जो दिखाई दे रहा है, क्रिएट चैनल, तो उसमें क्लिक करना है। क्रिएट चैनल, तो क्रिएट चैनल में क्लिक करने के बाद तो आपका यूट्यूब चैनल बन गया,
ठीक है, तो आपका जो YouTube चैनल है वो बन गया है। ठीक है, इसमें अभी आप वीडियो छोड़ सकते हो, आप कुछ भी वीडियो से जो छोड़ सकते हो। तो उससे पहले क्या करना है, इसमें जो सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें क्लिक करना है, ये दिखाई दे रहा है। क्लिक करने के बाद आप लोग ने देखा होगा सब चैनल का एक एक लोगो होता है, तो वो आप भी दे सकते हो। मेरा जब अभी ये चैनल आप लोग देख रहे हो, मेरा चैनल का लोगो देखिए, मैं अपना फ़ोटो दे रखा हूँ, तो आप भी दे सकते हो। तो उसमें इसको क्लिक करना होता है, क्लिक करने के बाद जो नीचे दिखाई दे रहा है उसमें क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद जो प्रोफाइल पे आ जाएगा, इसमें जो भी आपका फ़ोटो अच्छा लगता है वो फ़ोटो आप दे दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद अपना जो नाम वगैरह, अगर आप जो यूट्यूब चैनल का जो आपका नाम है तो उस नाम को अगर चेंज करना चाहते हो, अगर आप यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करना चाहते हो तो इसमें क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करने के बाद इस टाइप से आ जाएगा, तो आप यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर सकते हो। लेकिन आप लोगों ने अगर एक बार चेंज कर लिया तो आपने 90 दिन के अंदर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने यही नाम रखना है, जो अभी है वही रखना है। तो उसके बाद ये देखिए ऐड डिस्क्रिप्शन, ये क्या होता है, जो इसको लिखने के लिए इस पेन को क्लिक करना होता है। ठीक है, तो इस पेन को क्लिक करने के बाद इस टाइप से आएगा। ये डिस्क्रिप्शन क्या होता है, डिस्क्रिप्शन जो मैं जब वीडियो बनाता हूँ, जब बोलता हूँ कि मेरी चैनल की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो यही है डिस्क्रिप्शन। तो इसमें आप लोग डिस्क्रिप्शन दे क्या दे सकते हो, जो वीडियो चैनल के बारे में बता सकते हो, किसी और ऐप्स की आप लोग लिंक दे सकते हो, ये सब कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आप लोग इस टाइप से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ वीडियो इस टाइप से लिख सकते हो। उसके नीचे आप लोग कोई भी ये माई चैनल लिंक है, उसके नीचे आप अपना चैनल का जो लिंक है वो दे दीजिए। क्लिक हियर इस टाइप से लिख कर आप लोग मान लीजिए इस टाइप से लिखिए, इसके अपना चैनल का लिंक दे दीजिए इस टाइप से, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो जिसको लिखने के बाद इधर ओके कीजिए, इधर ओके कर लीजिए, क्योंकि इसको लिखने के बाद बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब भी आप वीडियो छोड़ोगे तो यह आ जाएगा, ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, तो वीडियो किस तरह से छोड़ा जाता है तो ये दिखा रहा है। उसका बैक हो जाइए, बैक होने के बाद आप लोग क्या कीजिए, इधर जो ये वीडियो का बटन दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें इसको इसको प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद इस टाइप से आ जाएगा, तो आप जो भी वीडियो ये सब मैंने वीडियो बनाया था, ये अलग अलग वीडियो है, ये सब जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए एक वीडियो छोड़ रहा हूँ। ठीक है, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए ये 25 सेकंड का ये वीडियो, ये नहीं ये 20 सेकंड का वीडियो ये छोड़ रहा हूँ मैं। इस वीडियो को जस्ट क्लिक करना है, ओके क्लिक हो गया, इस टाइप से आ जाएगा। उसके बाद टाइटल लिखना है। टाइटल क्या होता है, जो आप लोग जब सर्च कर रहे हो ना, मान लीजिए आपको रनिंग का टिप्स चाहिए, तो आप लोग किस टाइप से सर्च करोगे कि रनिंग टिप्स वीडियो, तो इसी टाइप से सर्च करोगे ना, तो उसी टाइप से लिखना है। अभी ये क्या, ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये है लॉन्ग जंप का, तो लॉन्ग जंप कैसे, लॉन्ग जंप कैसे मार सकते हैं, कैसे मार कैसे एक्सीलेंट मारे सर एक्सीलेंट मारे, तो इस टाइप से जिस टाइप से आप चाहते हो उसी टाइप से आप लिख सकते हो। मान लीजिए जो भी लिखोगे वीडियो के रिलेटिव ही लिखना है, जो भी लोग सास करते हैं ना उसी टाइप से लिखना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, जो मैंने जब बोला था अभी, तो आप लिंक वगैरह दे सकते हो, कोई चैनल का लिंक वगैरह कोई कुछ भी दे सकते हो, उसमें लिख सकते हो, उसमें लिखो या ना लिखो आपकी बात है। उसके बाद जो उसके नीचे जो दिखाई दे रहा है पब्लिक, उसके उससे प्रेस करने में इस टाइप से आ जाएगा। ये पब्लिक है, या पब्लिक का मतलब है आप सबको दिखाना चाहते हो, अगर ये पब्लिक तो अनलिस्टेड, उसके बाद प्राइवेट, अगर आप प्राइवेटली ये शेयर करना चाहते हो कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा आप पब्लिक ही रखिए। ठीक है, तो पब्लिक रखने के बाद ये सब हो गया। उसके बाद आप लोग क्या करना है,
इस इधर इस कोने पे जो सिंबल दिखाई दे रहा है उसमें प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आप लोग देख सकते हो ये वीडियो चला गया, आप लोग देख सकते हो ना ये वीडियो अपलोड हो रहा है अभी, देखिए इसी टाइप से अपलोड हो रहा है। तो इसी टाइप से आप लोग को चैनल क्रिएट कीजिए, क्रिएट किए करके उसके बाद वीडियो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग नीचे जो ये वाला सिंबल दिखाई दे रहा है ना, इसमें क्लिक कीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद जो ये माय वीडियोस दिखाई दे रहा है ना, उसमें क्लिक कीजिए। आप लोग देख सकते हैं ये वीडियो अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो इसी टाइप से आप लोग अपलोड करते जाइए। उसके बाद मैं सिखाऊंगा किस तरह से एडसेंस अकाउंट से अपने ईमेल यूट्यूब चैनल को लिंक करना है, वो भी दिखा दूंगा।